कि सर वो उस बच्चे को जब मैं सुलाती हूँ तो जैसे ही मैं सुलाती हूँ तो बच्चा मुझे बोलता है मम्मा। वो बच्चा क्या बोलता है, मम्मा तू पढ़, मम्मा तू पढ़, मैं अकेला सो जाऊंगा। अरे कितनी बड़ी बात है, मतलब मेरा रोम रोम उस समय एकदम से मेरा एकदम से मेरे रोम खड़ा हो गया पूरा का पूरा, मतलब इतना मुझे इतना अलग फील हुआ। अरे 4 साल का बच्चा जिस माँ को ये कहता है कि मम्मा मैं सो जाऊंगा तू पढ़, कितना बड़ा मोटिवेशन है बताओ, कितना बड़ा मोटिवेशन है। और आप लोग कहते हो हार जाए, कैसे हार जाओ आप लोग। कई बार अखबार में पढ़ता हूँ, अभी ऐश्वर्या भट्ट ने सुसाइड किया, एक माँ ने भी 2 साल के बच्चे के साथ सुसाइड कर लिया। अरे छोटा सा बच्चा एक जीवन लेके आता है, वो एक उम्मीद लेके आता है, वो बच्चा अपना बचपन खो रहा है आपके लिए, आपके सपनों के लिए अपना बचपन खो रहा है। वो बच्चा कहता है, वो आगे क्या कहती है कि सर वो बच्चा मुझे कहता है मम्मा तू चिंता मत कर तेरी पढ़ाई हो जाएगी, मम्मा तू चिंता मत कर तेरी पढ़ाई हो जाएगी। और बोली मैं जब मोबाइल लेती हूँ तो बच्चा मुझे कहता है मम्मा पढ़ाई हो गई, मतलब कितनी चिंता है कि मम्मा ने मोबाइल ले लिया, कहीं डिस्टर्ब तो नहीं हो रही है मम्मा, क्या पढ़ाई पूरी हो गई। अरे जो बच्चा 4 साल का बच्चा इतना आपके लिए सोच सकता है, वो जो ये कह देता है कि मैं सो जाऊंगा तू पढ़ ले, आप डिप्रेशन में कैसे आ सकता है। देखिए कितने रिश्ते हमारे साथ सेक्रीफाइस करते हैं हमारे सपनों के साथ, हमारे लक्ष्य को पाने के लिए। ये जो छोटे छोटे बच्चे हैं ना, भोले अबोध बच्चे जिन पे हमें गुस्सा आता है और हम उनको पीटने लग जाते हैं तो मुझे पढ़ने नहीं देता, उन बच्चों के मन में आपके भविष्य के लिए कितनी सुंदर कल्पना है, मतलब इंस्पायरिंग है ये, बहुत ज़्यादा इंस्पायरिंग है, याद रखना बहुत ज़्यादा इंस्पायरिंग है। मैं कहता हूँ कभी ये नेगेटिव विचार मत ले आना कि सर हारने का मन कर रहा है, मर जाएं क्या आप, डिस्टर्ब हो गए रिश्तों से। अरे कहीं भी मोटिवेशन ढूंढ सकते हो, यदि आपके घर में छोटा सा बच्चा है जो अपना बचपन आज आपके लिए खो रहा है, तो कोशिश करें कि उन रिश्तों के लिए कभी हारने का विचार मन में मत लेके आए, डिप्रेशन का विचार मत लेके आए, उनकी खुशी में, मतलब उनके साथ भी आप हंसते हुए भी 10 मिनट उनके साथ